नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं पर बीजेपी सरकार के बल प्रयोग की, सोनिया के राजस्थान से चुनाव लड़ने के ऐलान की, बात करेंगे पीएम मोदी की संसदीय सीट पर राहुल गांधी के बड़े प्लान की, शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों पर मोहन यादव की सख्त कार्रवाई की, जानेंगे ईवीएम पर कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग से पूछे क्या सवाल, उमर खालिद को क्यों नहीं मिल पाई जमानत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शरद पवार के गुट वाले एनसीपी का होगा कांग्रेस में विलय। कांग्रेस ने पवार को अपनी पार्टी का विलय करने का दिया प्रस्ताव। जल्द ही पवार कर सकते हैं कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा छठा समन। शराब घोटाले में 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के कोर्ट ने ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को पेश होने को कहा था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा मुझे शामिल होने का न्योता देगी। जिन्हें भ्रष्ट कहा था अब क्यों अपने में मिला रही है बीजेपी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 268 अंकों की गिरावट के साथ 71,823 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 97 अंकों की गिरावट के साथ 21,840 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। किसानों की मांग और सरकार की जिद के चलते दूसरे दिन भी हरियाणा बॉर्डर जंग का मैदान बना रहा। गुस्साए किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा की है, तो हाईकोर्ट ने भी किसानों के प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन किया है। जबकि सरकार किसानों के सामने दो दिन में ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो आज किसानों के आंदोलन में क्या हुआ खास, देखिए ये रिपोर्ट। एमएसपी सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर 13 फरवरी 2024 से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान पीएम आवास के घेराव के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी उन्हें रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में प्रवेश की कोशिश करते किसानों पर पुलिस जमकर बल प्रयोग कर रही है। आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बगैर बातचीत और समाधान के वापस नहीं जाएंगे। किसान नेता ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान बात करने को तैयार है, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है कि हम तैयार नहीं है। कोई किसान पत्थर नहीं मारता, पत्थर मारने वाले भी सरकार के ही आदमी हैं। आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर पथराव किया गया, लाठी चार्ज भी किया गया। किसानों के समर्थन में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईवे को जाम किए जाने के मामले को लेकर हरियाणा सरकार को जमकर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसानों को रोकने के लिए इस तरह से रोड को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, उन्हें प्रदर्शन के लिए जगह दी जानी चाहिए। ऐसे में कब तक ये जंग बरकरार रहेगी या मोदी सरकार किसानों के आगे घुटने टेक देगी, ये देखने वाली बात होगी। किसानों के प्रदर्शन से पंजाब, हरियाणा से लेकर यूपी तक बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो राजस्थान में किसानों के साथ ही कांग्रेस ने भी बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि राजस्थान से अब कांग्रेस ने सोनिया गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सोनिया गांधी राजस्थान से उच्च सदन के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई है। तो सोनिया के आने से कैसे बदल जाएंगे राजस्थान के समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी अब उच्च सदन की सदस्य बनेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सोनिया गांधी के राजस्थान से नामांकन दाखिल करने की खबर से ही कांग्रेस नेताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। सोनिया का निर्विरोध चुनाव जीतना भी तय माना जा रहा है, और इसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी मिलना तय माना जा रहा है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भले ही हार मिली हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावों में जबरदस्त टक्कर हुई थी। दोनों के बीच मात्र 2% वोटों का अंतर था, जो सोनिया की मौजूदगी से आसानी से समाप्त किया जा सकता है। सोनिया के आने से राजस्थान कांग्रेस में भी मजबूती दिखाई भी देने लगी है। सोनिया के नॉमिनेशन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में रायबरेली सीट पर कांग्रेस किस पर दाव लगाएगी। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ और गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट भी माना जाता है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ती थी। सोनिया गांधी ने अपनी चुनावी रणनीति अमेठी से शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्होंने रायबरेली को ही अपना संसदीय क्षेत्र बनाया था। प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी तक गांधी परिवार और कांग्रेस की ओर से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। सियासी गलियारों में रायबरेली ही नहीं बल्कि अमेठी सीट पर भी चुनावी दावेदारी को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से बड़ा असर दिखाई देगा, ये साफ हो गया है। तो दूसरी तरफ वाराणसी में पीएम मोदी को घेरने का प्लान भी कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। 17 फरवरी को राहुल गांधी वाराणसी पहुंच रहे हैं,
और इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव भी राहुल के साथ दिखाई देंगे। तो क्या है पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी को जनता से प्यार मिल रहा है, उससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। और इसी बेचैनी को और बढ़ाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचेंगे। राहुल गांधी यहां रोड शो करेंगे, उनकी एक जनसभा भी यहां होनी है। वाराणसी के इस रोड शो में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। जबकि अखिलेश यादव ने पहले न्याय यात्रा को लेकर कहा था कि वो न्याय यात्रा में अमेठी और रायबरेली में राहुल के साथ पदयात्रा करने वाले हैं, लेकिन अब सपा की तरफ से संकेत मिल रहा है कि अखिलेश वाराणसी में भी न्याय यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 फरवरी को चंदौली से वाराणसी पहुंचेगी। इस दौरान बड़ा रोड शो निकाले जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह बना हुआ है। इसी के साथ राहुल गांधी का काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में अखिलेश, राहुल और प्रियंका एक साथ मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में दिखाई देंगे। विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे को कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ऐसा फैसला लिया है जिसे पार्टी के तमाम दिग्गज नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है फैसला जिसे बीजेपी दिखाई दे रही है बैकफुट पर, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार में निगम, मंडल और प्राधिकरणों के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उन सभी लोगों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। इन सभी लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। मोहन सरकार ने ऐसे 46 निगम, मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियां रद्द की हैं। जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उनमें अधिकांश शिवराज समर्थक थे, तो कुछ लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी करीबी पाए गए। इन्हें चुनाव में हार के बाद ये जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं इन सभी लोगों को हटाने का फैसला आश्चर्यजनक रूप से आया है, क्योंकि उनमें से कई के पास अभी भी 3 साल से अधिक का कार्यकाल बाकी था। प्रभावित पदों में भोपाल विकास प्राधिकरण, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल है। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। दरअसल एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया था। संभागीय मंत्रियों को हटाकर उन्हें निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई थी। इनमें शैलेंद्र बरुआ, आशुतोष तिवारी और जितेंद्र लिटोरिया जैसे लोग थे। इन सभी लोगों को पद से हटा दिया गया है। इसके साथ मोहन सरकार के फैसले से सिंधिया के करीबियों पर भी गाज गिरी है। उपचुनाव में हार के बाद इन्हें निगम और मंडलों में एडजस्ट किया गया था। मुन्नालाल गोयल से लेकर जसवंत जाटव तक का नाम इसमें शामिल है। जिन्हें शिवराज ने मंत्री का दर्जा दिया, उनसे मोहन यादव ने यह दर्जा छीन लिया। मध्य प्रदेश में शिवराज के साथ सिंधिया को भी कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसे बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किल को ईवीएम ने बढ़ा रखा है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पार्टी सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। ईवीएम के खिलाफ देश भर में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष ने ईवीएम को लोकतंत्र पर बड़ा संकट बताया है। मोदी सरकार पर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के बेहतर उपयोग के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की पार्टियां 2023 के जून महीने से ही चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रही हैं। वीवीपैट के इस्तेमाल को बढ़ाकर 100% तक करने की इजाजत नहीं देना देश के मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान का दायरा बढ़ाने का आदेश देते हुए चुनाव आयोग से वीवीपैट पर्ची वाले बूथों की संख्या बढ़ाने को कहा था। इसका केस नंबर WPC 273-2019 है और मामला एन चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ का है। वहीं चंद्रबाबू नायडू, जो कभी हाईटेक मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे, वह उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही जयराम ने चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में शामिल होने पर उम्मीद जताई है कि अब शायद वह चुनाव आयोग को अपने पूर्व सहयोगियों के साथ मिलने का समय देने के लिए मना सके। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी पीएम मोदी के 400 पार के दावे पर तंज कसते हुए लिखा, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर इतने आश्वस्त क्यों हैं कि उन्हें जनता में बढ़ते हुए जन आक्रोश की चिंता नहीं है? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है, उन्हें ईवीएम पर भरोसा है, वह उनको जिता देगी, जनता भले ही नाराज हो। लोकतंत्र बचाना है, ईवीएम हटाना है। ईवीएम को लेकर तो सवाल लगातार उठ रहे हैं,
तो सवाल 4 साल से जेल में बंद उमर खालिद को लेकर भी उठ रहे हैं। खालिद को 4 साल से जमानत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। बार बार किसी न किसी कारण से खालिद की याचिका पर सुनवाई टल रही थी और अब खालिद की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली दंगे मामले में जेल से बाहर आने की आस लगाए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में यूपीए के तहत दर्ज मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली और कहा कि हम इस मामले में नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। उमर खालिद की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच को बताया कि वो परिस्थितियां बदलने की वजह से अपनी जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं। सीनियर कपिल सिब्बल ने हाँ, मैं यूपीए प्रावधानों को चुनौती देने वाले पर बहस करना चाहता हूँ, मगर परिस्थितियों में बदलाव के कारण जमानत याचिका वापस लूंगा। हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि उन्होंने परिस्थितियों में बदलाव के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इसके बाद पीठ ने कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उमर खालिद की जमानत याचिका वापस लेने का आदेश दिया। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैर कानूनी रूप से एकत्र होने के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत कई अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे। तब से वह जेल में है। आपको बता दें, कड़कड़डूमा अदालत ने मार्च 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें अक्टूबर 2022 में राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत के समक्ष उनकी याचिका को तब 14 बार स्थगित कर दिया गया था। जुलाई 2023 में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई 2 मिनट के भीतर समाप्त हो जाएगी। हालांकि अगस्त में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उमर खालिद को कब तक जमानत मिल पाती है, इस पर सवाल बने हुए हैं। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उसका जवाब अब देश के सामने आने लगा है। सवाल ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और बीजेपी के बीच दोस्ती को लेकर थे। बीजेपी राहुल के दावे को झूठा बता रही थी, लेकिन बीजेपी का दावा ही झूठा निकल गया। तो क्या है मामला, देखिए यह रिपोर्ट। बीजेपी ने ओडिशा से राज्यसभा के लिए अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य में बीजेपी के पास इतने विधायक नहीं है कि वो एक सीट जीत पाए, लेकिन फिर भी पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। ओडिशा में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 22 सीटें हैं, जबकि एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। यानी जितने वोट चाहिए बीजेपी के पास, उससे 15 वोट कम है, जबकि सत्ताधारी बीजेडी के पास 111 सीटें हैं और 3 सीट जीतने के लिए उसे 111 विधायकों के समर्थन की ही जरूरत है। साफ है कि बीजेडी आसानी से 3 सीट जीत सकती है, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस के 9 विधायक हैं जो बीजेपी और बीजेडी का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेडी आसानी से 3 सीट जीत सकती, लेकिन बीजेडी ने 3 की जगह 2 सीटों पर ही उम्मीदवार देने का फैसला किया है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होंगे और राज्य में बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और बीजेडी की मित्रता खुलकर सामने आई है, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि राज्य में तेलंगाना जैसे ही हालात बन सकते हैं। यानी बीजेपी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी और सत्ता विरोधी वोट बीजेपी की जगह कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि राज्य में 24 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की स्थिति तेलंगाना के सीएम केसीआर जैसे ही हो सकती है। केसीआर को भी बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का नुकसान हुआ था, जो अब ओडिशा में बीजेडी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को बीच में छोड़ करके किसानों के लिए दिल्ली वापस लौट आए हैं। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री देश छोड़कर अरब कंट्रीज की यात्रा पर गए हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वो तो एक दो दिन में वापस आ जाएंगे। यहां राहुल गांधी ने किसानों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो MSP ज़रूर ही देंगे। अब देखना यह है कि राहुल के इस मास्टर स्ट्रोक की बीजेपी के पास में क्या काट है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB Live। नमस्कार।